तो हे गाइस, मेरा नाम है विपुल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आपके भी Realme Narzo 20 Pro में बैटरी ड्रेनिंग इशू आ रही है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Realme Narzo 20 Pro के बैटरी ड्रेनिंग इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक एम हम 100 रख रहे हैं, जल्दी से इसको पूरा कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी मतलब बैटरी जो काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाती है, बट यहाँ पर आपको उसको मतलब जल्दी ड्रेन भी होता है। तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको चले जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी। तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये यहाँ पर आपका ऑटो सिलेक्ट रहता है, आप इसको 90 भी कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इन दोनों को यूज़ करने के बाद, बट ये आपका मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है बैटरी को। यहाँ पर आपको लिखा भी है कि आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा अगर इनको आप यूज़ करते हैं तो। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आपको 60 हर्ट्ज़ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं 60 हर्ट्ज़ पे किया हूँ, आपको भी 60 हर्ट्ज़ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ऊपर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन रहता है, इसको अगर आप ऑटो करेंगे तो ठीक रहेगा, मतलब अपना मेंटेन होता रहेगा। आपको इसको ऑटो ब्राइटनेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको दो सेटिंग से इनको आपको यूज़ करना है। और मैं तीसरा सेटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इनको भी आपको देख लेना है। यहाँ पे एकदम नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा Realme Lab का ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Realme Lab। यहाँ पर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका रहता है सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई। इसका क्या कहा है गाइस कि आपका मतलब जब भी आप फ़ोन को नहीं यूज़ करेंगे, आपके बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस होते रहने इनको अगर आप यूज़ करेंगे, इसको मतलब इनेबल कर देंगे, तो आपका मतलब सभी बैकग्राउंड जो प्रोसेस होता है सबको क्लोज कर देता है। तो आपको करना क्या है, इसको सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई का ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। ये ज़्यादातर आपको नाइट में मतलब हेल्प करता है, जैसे आप नाइट में चलाते चलाते मोबाइल खो मतलब सो गए तो आपका मतलब ये प्रोसेस लॉक होने के बाद, स्क्रीन लॉक होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका मतलब सब बैकग्राउंड के डाटा को क्लोज कर देता है। और आपके मोबाइल जितने परसेंट पर रात पे आप छोड़ेंगे उतना ही सुबह रहेगा। ये काफ़ी तगड़ा मतलब फीचर आया अभी अपडेट के बाद, इसको आपको ज़रूर इनेबल कर लेना है। इसको करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस मैनेजर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको ये दिख सकता है कि आपका मतलब कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं प्रोसेस मैनेजर में आकर, तो आपका मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा था। यहाँ से आपको देखने बाद अगर आपको कोई फालतू एप्लीकेशन लगे तो वहाँ से इसको सिंपली डिलीट कर देना है। अगर आपको कोई मतलब फालतू एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ से उड़ा देंगे तो सही रहेगा। तो ये तीन ट्रिक्स थे, अगर तीनों को यूज़ करते हैं तो आपका 100% बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अगर आपके कोई भी Realme मतलब आपके भी Realme Narzo 20 Pro के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सॉल्व नहीं आपको मतलब ख़राब लगता है तो आप कमेंट में फटाफट से बता दीजिए, मैं उसका सलूशन ज़रूर लाऊंगा। तो यही हमारा वीडियो था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।